हेलो दोस्तों, मैं सोनी गौतम स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल गौतम गुण सेट पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा एसएससी ने कई भर्तियाँ निकाली हैं, जिनमें से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, एसआई, ग्राम सचिव, कैनल पटवारी, राजस्व पटवारी और आगे ग्रुप डी कलर की भी भर्तियाँ निकलने वाली हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पिछले एक साल का मई 2018 से लेकर जून 2019 तक, अभी जून चला हुआ दोस्तों, जून 2019 तक एक साल एक महीने का मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगा दोस्तों। और कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, मैं वो भी आपको कवर कराऊंगा। आप मेरे साथ अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर जरूर क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक, हम उस पर चलते हैं। ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आएंगे और पसंद भी आएंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई दोस्तों, अगर ट्रम्प की बात करें, 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। कौन से नंबर के दोस्तों? 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए दोस्तों उम्र कितनी होनी चाहिए? 65 साल, 65 ईयर तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इनकी टर्म है दोस्तों 65 ईयर तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका करंट अफेयर दोस्तों, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? देखिए दोस्तों, लोकपाल सेंट्रल लेवल पे होता है और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है। अभी तक भारत में लोकायुक्त तो थे, हर राज्य के अपने अपने लगभग राज्यों के थे, लेकिन लोकपाल पहली बार चुना गया है, पहली बार अपॉइंट किया गया है। तो इनकी अपॉइंटमेंट, इनको अपॉइंट किसने किया दोस्तों? राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। कौन है दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं और आंध्र प्रदेश के दोस्तों जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन है दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? इसका आंसर है के वेणुगोपाल। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल कौन दोस्तों? उनका काम क्या होता है? ये दोस्तों भारत सरकार की हेल्प करते हैं। ये पहले विधि ऑफिसर हैं, लॉ ऑफिसर, जो कि भारत सरकार के लिए आपके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं और उनको सलाह देते हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन है दोस्तों? तुषार मेहता। हु इज़ द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? तुषार मेहता। ये अटॉर्नी जनरल की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। ठीक है दोस्तों, कौन है? सुनील अरोड़ा। देखिए दोस्तों, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनको भी कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, कौन करता है? राष्ट्रपति। जो इनकी नॉर्मल टर्म होती है दोस्तों वो 65 साल या 6 साल, या तो उसकी उम्र 65 साल हो जाए दोस्तों या 6 साल, जो भी पहले होगी वही मानी जाएगी। तो दोस्तों, इनकी टर्म कितनी है? 65 ईयर और 6 ईयर, या तो इनके कार्यकाल का 6 साल पूरा हो दोस्तों, या फिर ये 65 साल के हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चुनाव आयुक्त। ठीक है दोस्तों, एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोस्तों, और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। एक है दोस्तों अशोक लवासा, दूसरे हैं सुनील चंद्रा। ठीक है दोस्तों, पहले हैं अशोक लवासा और दूसरे हैं सुनील चंद्रा। भारत के संविधान का आर्टिकल 324, ठीक है दोस्तों, 324 के तहत भारत में जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या एमपी कह लीजिए, राज्यसभा का और एमएलए का चुनाव। हर स्टेट में जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, वो कौन करवाता है दोस्तों? भारत का इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 324 के तहत। ठीक है, भारत का इलेक्शन कमीशन दोस्तों एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर, तीन से मिल के ये बनता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश को, सॉरी, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन दोस्तों? रंजन गोगोई। और ये 46वें नंबर के दोस्तों, 46वें नंबर इनका है। दूसरा दोस्तों, प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। क्या दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, इनका कार्यकाल दोस्तों 70 साल तक हो सकता है, 70 साल इनकी लिमिट है दोस्तों। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तीसरा दोस्तों, अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के वेणुगोपाल।
नेक्स्ट हु इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों, तुषार मेहता। नेक्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा। ठीक है दोस्तों, सुनील अरोड़ा। ठीक है दोस्तों, इलेक्शन कमिश्नर की पावर से सॉरी इलेक्शन कमीशन की जो एक टर्म है दोस्तों वो है 65 साल या 6 साल उनके ऑफिस के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चुनाव आयुक्त, भारत के चुनाव आयुक्त कौन कौन है, अशोक लवासा और सुनील चंद्रा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। मैं वीडियो छोटा ही रखूँगा, थोड़ी थोड़ी करके हम आगे चलेंगे, डेली के एक या दो वीडियो आपको मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप अपने खूब तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए, और मुझसे जो बन सकेगा मैं करूँगा। थैंक यू दोस्तों।